पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत। मुख्यमंत्री जी के गृह नगर में मैं बैठा हूं, जहां इन 3 महीनों में मुख्यमंत्री जी के दौरे बहुत बड़े हैं। इस बार सरकार का प्रारंभ जो अंतर्द्वंद से हुआ था वो निरंतरता से चल रहा है, और सरकार के मुखिया की हालत इतनी पतली है कि वो प्रदेश में तो घोषणा दर घोषणा कर ही रहे हैं, जोधपुर में अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में 2013 की तर्ज पर पल्ले नहीं दाने अम्मा चली बुनाने की तर्ज पर वो जेडीए में जब पैसा नहीं है और उन्होंने 30 करोड़ का की राशि होते हुए भी 400 करोड़ से ज्यादा के कामों की घोषणा करके अपनी संभावित हार को बचाने की कोशिश में मुख्यमंत्री जी लगे हैं। जब मुखिया इतना भयक्रांत हो तो फिर फौज का क्या होगा, टीम का क्या होगा? वही होगा जो मुख्यमंत्री जी के सागिर्द सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी ने कहा, एक फॉर्चूनर में जितनी सवारी आती है उतने ही हम चारों धामों की यात्रा करके विधानसभा के दरवाजे पर आएंगे। इस बार राजस्थान के अंदर पहली बार हमारे समाज के दो प्रबुद्ध वर्ग, एक वर्ग जिसको हम धरती का दूसरा भगवान कहते हैं, आज लगातार 6ठा दिन है राजस्थान के अंदर सारे निजी चिकित्सालय जिनकी संख्या पूरे राजस्थान में लगभग 14,600 है और सारे रेजिडेंट डॉक्टर, और आज से तो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए। इस पूरे दशक के अंदर पहली बार कल राजस्थान की राजधानी में 50,000 के लगभग डॉक्टर अपना सफेद कोट पहनकर अपना विरोध प्रकट करने आए, बिना तैयारी के राइट टू हेल्थ देने की बात सरकार कर रही है, झुंझुना पकड़ा रही है। विधानसभा में भी हमने इसका विरोध करते हुए कहा कि आपने मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा जिलों में कर दी, पर इनमें आधारभूत संरचनाएं, मानव संसाधन और उपकरण नहीं दिए। आज 80 ट्रॉमा हॉस्पिटल है अलग अलग जगह पर, एक भी ट्रॉमा हॉस्पिटल में अगर दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना के समय में जो 3 फैकल्टी होती है, एनेस्थीसिया, सर्जरी और मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स, किसी कोई भी फैकल्टी नहीं मिलेगी आपको। राजस्थान के अंदर कहीं आईसीयू के अंदर, कोटा के अंदर महिला जो आईसीयू में भर्ती थी उसकी पलकों को चूहा कुतर जाए, स्वान जच्चा का बच्चा, नवजात बच्चा लेकर स्वान खा जाए, जोधपुर में ब्लड बैंक में ब्लड के सैंपल को कुत्ते पी जाए, या परसों हमारी बहनें गैलरी में कर दे, जहां आज भी खुद चिकित्सा मंत्री कहते हैं हमारे स्पेशलिस्टों के पद 42% खाली पड़े हैं, वहां राइट टू हेल्थ, और राइट टू हेल्थ के नाम पर जो मेडिकल हब बनने की ओर राजस्थान जा रहा था, मेडिकल टूरिज्म की ओर जो पिछली सरकार ने प्रमोट किए थे, सुपर स्पेशलिटी के बड़े बड़े नामचीन चिकित्सालय आ रहे थे राजधानी में और दूसरी जगह पर, उनको रोकने का काम सरकार कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप अखबारों की अपील नहीं, आपको वार्ता करनी चाहिए, और मैंने आंदोलनरत कर्मचारियों के एक्शन कमेटी को भी कहा कि उनके आंदोलन में जीवन पर कोई संकट नहीं आ जाए इसकी व्यवस्था करते हुए उनको आंदोलन का स्वरूप बदलना चाहिए और सरकार को वार्ता करके इसको हल निकालना चाहिए। राजस्थान के अंदर अधिवक्ता 1 महीने और 3 दिन हड़ताल पर रहे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का वादा इन्होंने किया, 2019 में कैबिनेट सब कमेटी बनी, बार काउंसिल ने ड्राफ्ट विधेयक इनको दिया, इन्होंने नहीं पारित किया, कितने लिटिगेंट परेशान हुए और आखिर देर आए दुरुस्त आए, सब हम सब लोगों ने मांग की तो इन्होंने उसको काम किया। राजस्थान में अराजकता का वातावरण और शहरों के अंदर रंगदारियां और फायरिंग और ऐलानिया हत्याएं सबसे ज्यादा जोधपुर शहर में हो रही है।
राजस्थान के अंदर एनसीआरबी के आंकड़े खुद कह रहे हैं, महिला दुष्कर्म में हमने लगातार 3 बार पहली पायदान पर पहुंचने का काम किया है। अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार में दूसरे स्थान पर है, यह आंकड़े मेरे नहीं, एनसीआरबी के हैं। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार में तीसरे स्थान पर है। साइबर क्राइम में राजस्थान कैपिटल बन गया। बच्चों की तस्करी में राजस्थान पहले स्थान पर चला गया। और बेरोजगारी के कारण सर्वाधिक ग्रेजुएट बेरोजगारों ने आत्महत्या देश में किया, राजस्थान पहले नंबर पर। इन्होंने वादा किया था किसान के कर्जे की बात को लेकर, विधानसभा में खुद ने स्वीकार कर लिया कि कॉमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक में जो उन्होंने कर्जा लिया था जिन किसानों ने, उन किसानों के 3,90,000 किसानों के 6,200 करोड़ के कर्जे बाकी है। खुद इन्होंने कहा कि 90,000 से ज्यादा खाते एनपीए होकर नोटिस दे दिए। अब इन्होंने डेट रिलीफ एक्ट लाकर कहा हम जमीन नीलाम नहीं होने देंगे, उससे बचेंगे नहीं। रोडा एक्ट पहले से बना हुआ है, किसानों की जमीन नीलाम होनी प्रारंभ हो गई, बेरोजगारी चरम पर है। और अभी अगले महीने से आपके हाथ में बिजली के जो बिल आएंगे उसमें 33 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के बिल आपके पास आएंगे। फ्यूल चार्ज के नाम पर एक बार और बढ़ोतरी कर दी। बजट में 100 यूनिट फ्री की बात कही। राजस्थान में सर्वाधिक कटौती अगर किसी साल में हुई तो इस साल में हुई। बिजली दी नहीं जा रही तो सहूलियत मिलेगी कैसे? 2 दिन से संकल्प सत्याग्रह कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बने उसकी मांग कर रहे हैं, पार्लियामेंट ठप पड़ी है। मैं मुख्यमंत्री जी के गृहनगर में उनसे मांग करता हूं वो श्वेत पत्र जारी करें। क्या उनके आने के बाद इसी अडानी सोलर प्रोजेक्ट को उन्होंने 1,03,000 बीघा देश कीमती जमीन नहीं दी है? क्या यह सही नहीं है कि 75,000 बीघा जमीन जो जैसलमेर जिले में है उसका प्रस्ताव अप्रूव करके उन्होंने उद्योग विभाग को नहीं भेज रखा है? क्या यह सही नहीं है किसी अडानी समूह के कवी के जो सोलर प्लांट है उसके अंदर कोयले की राशि के अंतर के 10,306 करोड़ रुपए की राशि 7 पैसे प्रति यूनिट के आधार पर 5 साल तक जो आपके खुद के बिलों में नीचे लिखा आता है, क्या ये अडानी जी को उपकृत करने के लिए उन्होंने टैक्स 1,39,00,000 उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया? क्या अडानी जी को राजस्थान में सबसे महंगा कोयला 10,400 करोड़ का ऑर्डर इन्होंने सिंगल टेंडर पर आरटीपीपी एक्ट को धज्जियां उड़ाते हुए नहीं दिया? ये श्वेत पत्र जारी करें। जिस अडानी समूह को लेकर दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, मेरा आरोप है राजस्थान में पहली सरकार जिसने सर्वाधिक देश में पहली सरकार जिसने सर्वाधिक अडानी समूह को उपकृत किया है, रेड कारपेट बिछाया है, ये इस प्रकार की हालात यहां बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी का एक पसंदीदा सब्जेक्ट रहा, इन्होंने रिफाइनरी को लेकर पिछली सरकार में जब हम सरकार में थे तो हमारे पर खूब आरोप लगाए, हमने 5 साल रिफाइनरी को लेट किया। 2013 में चुनाव से आचार संहिता से 13 दिन पहले इन्होंने उसकी आधारशिला रखवाई सोनिया जी से। और इन्होंने अपने पहले बजट में 2019-20 बजट पैरा 79 में ये कहा कि रिफाइनरी को लेकर पिछली सरकार ने जो विलंब किया हम अक्टूबर 2022 तक रिफाइनरी को विधिवत रूप से चालू कर देंगे। हम पर आरोप लगाया था रिफाइनरी की कीमत 33,000 से बढ़कर 46,000 होगी, आज रिफाइनरी की कॉस्ट 76,000 करोड़ पहुंच गई। और मुख्यमंत्री जी का यह घोषित किया हुआ बजट जैसा पवित्र जगह हो नहीं सकती, उसमें उनकी घोषित तिथि का क्या हुआ? इन्होंने ये कहा था 2020-21 में कम हाइड्रोकार्बन सेक्टर में डेडिकेटेड कौशल केंद्र स्थापित करेंगे, और 2022-23 में इन्होंने कहा था कम 383 किलोमीटर पेट्रोकेमिकल पेट्रो इन्वेस्टमेंट रीजन बनाएंगे, 1,40,000 को रोजगार देंगे। आज इन सब चीजों को 1.5 साल 2 साल हो गए, एक चीज भी धरातल पर नहीं।